और नेक्स्ट है एग्जांपल बेस्ड ऑन एरे एंड पॉइंटर प्रॉपर्टीज। केसों अगर मैंने प्रोवाइड किया 2D एरे डिक्लेरेशन विद 3x3, इस 3x3 के एरे के केसों टोटल नंबर ऑफ रोज कितने फॉर्म हुए, 3 रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। इसको मींस फर्स्ट रो के केस में मैंने प्रोवाइड किया एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, एड्रेस ऑफ सेकंड एलिमेंट इज 102, एड्रेस ऑफ थर्ड एलिमेंट इज 104, सेम है फोर्थ एलिमेंट का एड्रेस क्या 106 एंड सो ऑन। क्लियर। इस केस में अगर फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू क्या 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मैंने अज्यूम किया है 100, अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 है तो फर्स्ट एलिमेंट का लॉजिकल नेम क्या होगा स्टार 100, सेम है स्टार 102 एंड सो ऑन। इस केस में 100 फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस भी प्लस इसके साथ साथ फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो का भी एड्रेस क्या है ऑल्सो, मींस इस रो के अंदर बिगिनिंग एड्रेस क्या 100, इस रो के अंदर बिगिनिंग एड्रेस क्या 106, इस रो के अंदर बिगिनिंग एड्रेस क्या 112। तो इस केस में अगर रो एड्रेस की बात करें तो रो एड्रेस क्या है 100, 106, 112। क्लियर। सेम है अगर इस रो का एड्रेस 100 है देन रो का नेम क्या हो सकता है स्टार 100, मींस इस एलिमेंट का एड्रेस भी 100, इसलिए एलिमेंट को भी रेफर करोगे एज स्टार 100, और स्टार 100 एलिमेंट के साथ साथ इस फर्स्ट रो का भी कंप्लीटली नेम क्या ऑल्सो स्टार 100। सेम है सेकंड रो का भी नेम क्या हुआ स्टार 106, स्टार 112 अकॉर्डिंग टू प्रीवियस प्रॉपर्टीज। सेम है इस होल एरे की बात करें होल एरे का एड्रेस भी कंसिडर क्या होगा ऑल्सो 100 कंप्लीट एरे, अगर कंप्लीट एरे का एड्रेस 100 है तो इसे एरे का नेम भी अदर नेम क्या हो जाएगा स्टार 100। इस फाइनली स्टार 100 लॉजिकली कितने प्लेस का नेम होगा 3 प्लेसेस, स्टार 100 नेम इज आ फर्स्ट एलिमेंट, स्टार 100 मे बी नेम ऑफ फर्स्ट रो, स्टार 100 मे बी नेम ऑफ कंप्लीट एरे डिपेंड ऑन एक्सप्रेशंस। देन इसके जस्ट बाद सेकेंड डिक्लेरेशन को कॉन्स्टिट्यूट करें, सेकेंड डिक्लेरेशन मैंने जस्ट 2 डिक्लेरेशन पॉइंट किए हैं, फर्स्ट ऑन वेरिएबल पी एंड वेरिएबल पी पी। पी पी की बात करें तो पी पी क्या है डबल पॉइंटर मीन्स पॉइंटर टू पॉइंटर, लेकिन पी की बात करें तो पी क्या इसके इसमें पॉइंटर और एरे, हेयर पी इज अ एरे, पी क्या इसके इसमें जस्ट एरे, अगर पी एरे तो इसके इसमें एरे का साइज प्रोवाइड किया मैंने एग्जैक्टली 3, तो इससे एरे के अंदर टोटल 3 पॉइंटर्स क्रिएट होंगे। इससे इस केस में एरे का टाइप क्या है इंट स्टार, इंट स्टार में से एरे के अंदर सारे के सारे एलिमेंट किस टाइप के होंगे इंटीजर पॉइंटर्स, इंटीजर पॉइंटर्स के रिस्पेक्ट में टोटल 3 पॉइंटर्स क्रिएट हुए। अगर इसका एड्रेस में एज्यूम करता हूँ 200 देन 202 204, इससे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस अगर 200 है तो इसका लॉजिकल नेम रेफर कर सकते हैं जैसे स्टार 200 सेम एज स्टार 202 स्टार 204 अकॉर्डिंग टू प्रीवियस प्रॉपर्टीज। क्लियर। अगर किसी भी लोकेशन का एड्रेस है ना या किसी भी एड्रेस के लिए अगर आप स्टार अप्लाई करोगे ना रिटर्न क्या करेगा या तो उस लोकेशन का वैल्यू या फिर उस ब्लॉक का बेस एड्रेस, मीन्स स्टार के केस में जस्ट 2 प्रॉपर्टी है, जब भी स्टार किसी एड्रेस के साथ अप्लाई करते हैं अरे इस एड्रेस पर कोई वैल्यू स्टोर है मीन से एलिमेंट देन उसके इसमें रिटर्न क्या होगा वैल्यू, अगर स्टार किसी ब्लॉक के एड्रेस के लिए अप्लाई करो मीन से इसके इसमें एड्रेस क्या हो सकता है एड्रेस या तो सिंगल एलिमेंट का होगा, अगर एलिमेंट के एड्रेस के लिए अप्लाई करो देन क्या रिटर्न होगा इससे वैल्यू, अगर स्टार किसी ब्लॉक एड्रेस के लिए अप्लाई करते हो देन इसके इसमें रिटर्न क्या होगा ब्लॉक का बेस एड्रेस। क्लियर। इसके इसमें कोई वैल्यू रिप्लेस ना होगा, रिप्लेस क्या होगा इस ब्लॉक का बेस एड्रेस, जस्ट इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट वन फाइनली इस केस में एरे क्रिएट हुआ, एरे के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने 3 एलिमेंट्स, नेक्स्ट केस में क्रिएट क्या हुआ है डबल पॉइंटर, और डबल पॉइंटर के केस में बात करें तो पी पी क्या है इस केस में डबल पॉइंटर, तो पी पी के रिस्पेक्ट में फाइनली पी पी का साइज क्या हुआ डबल पॉइंटर कितने बाइट्स लेता है ऑल्सो 2 बाइट्स, तो उसका भी साइज क्या है 2 बाइट्स पी पी। क्लियर। लाइक जब जो नीचे मीन्स अभी करंटली इस एरे में पॉइंट डबल पॉइंटर में कोई भी इनिशियलाइजेशन परफॉर्म नहीं हुआ, देन वन बाई वन सारे के सारे एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। वन मोर केस इस केस में इस एरे का नेम क्या है पी, तो एरे के फर्स्ट एलिमेंट को रेफर करेंगे एज अ पी ऑफ 0, सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट को नेम देंगे पी ऑफ 1, थर्ड एलिमेंट को नेम प्रोवाइड करोगे एज अ पी ऑफ 2। क्लियर। फर्स्ट वन पी 0 में साइन कर रहा है एड्रेस ऑफ ए 00, एड्रेस ऑफ ए 00, ए 00 किस एलिमेंट का एड्रेस होगा सॉरी 0th 1 एंड रो 2 इज द रो इंडेक्स, देन कॉलम इंडेक्स भी क्या 0 1 2, तो इसके इसमें 0 0 इंडेक्स किस एलिमेंट का है दैट वन, इस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है
इंडेक्स इज जीरो जीरो, जीरोथ रो जीरोथ कॉलम, तो इसके इसमें इसका एड्रेस क्या फाउंड हो रहा है, एड्रेस इज 100, तो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ 100, 100 इज असाइन टू द पॉइंटर वैल्यू पी जीरो, जैसे पी जीरो में 100 असाइन होगा इमीडिएटली पी जीरो पी वन पी टू क्या पॉइंटर्स, ये पर्टिकुलर गिविन लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा, तो मीन्स फाइनली पी ऑफ जीरो किस लोकेशन को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस 100 है, जिस लोकेशन का एड्रेस 100 है उसी का एक और नेम क्या जाएगा स्टार पी ऑफ जीरो, क्लियर। जस्ट सेम केस मैंने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया था, सेम एज पी वन में क्या आसान हो रहा है एड्रेस ऑफ ए ऑफ वन ऑफ जीरो, ए ऑफ वन ऑफ जीरो मीन्स क्या फर्स्ट रो जीरोथ कॉलम, फर्स्ट रो मीन्स दैट वन, जीरोथ कॉलम मीन्स दैट वन, तो इसके कॉम्बिनेशन में नेम देंगे जाए 1, 0, आप चाहो तो इस पर राइट डाउन भी कर सकते हो, इस केस में 0, 0 दिस वन इज 0, 1, 0, 2, सिमिलरली 1, 0, 1, 1, 1, 2, सेम एज 2, 0, 2, 1 एंड 2, 2, क्लियर। फाइनली इस केस में नेक्स्ट केस में क्या आसान हुआ एड्रेस ऑफ वन ऑफ जीरो, वन ऑफ जीरो के केस में एड्रेस क्या 106, तो पी ऑफ वन में क्या आसान हुआ 106 और 106 लोकेशन का वन मोर नेम क्या हुआ स्टार पी वन, क्लियर। नेक्स्ट वन सिमिलरली थर्ड केस पी ऑफ टू में क्या आसान हुआ एड्रेस ऑफ टू ऑफ जीरो, टू ऑफ जीरो मीन सेकेंड रो जीरोथ कॉलम, इस लोकेशन का एड्रेस किस में आसान हो जाएगा पी टू में, तो पी टू के केस में क्या आसान हो जाएगा 112, इस 112 लोकेशन के रिस्पेक्ट में एक और नेम क्या क्रिएट होगा इसका जस्ट स्टार पी ऑफ टू, क्लियर। नेक्स्ट वन पी पी क्या इसके इसमें डबल पॉइंट है, तो डबल पॉइंटर में क्या किया पी प्लस वन, पी के प्लेस पर रिप्लेस किया पी क्या इसके इसमें एरे नेम, और एरे नेम के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 200 और फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या है जस्ट 2 bytes, तो इंक्रीमेंट कितने से होगा मल्टीप्लाई बाई 2, मीन्स जस्ट न्यू एड्रेस का जनरेट हुआ 202, ये 202 आसानी किस में हो जाएगा पी पी में, पी पी मीन्स डबल पॉइंटर 202, तो पी पी उस लोकेशन को पॉइंट करेगा जिसका मेमोरी एड्रेस 202 है, 202 मीन्स दैट प्लेस, इस प्लेस का मीन्स 102 लोकेशन का एक और नेम क्या क्रिएट हुआ स्टार पी पी, और स्टार पी पी के रिस्पेक्ट में एक और नेम के यहाँ मैं सेपरेट कर रहा हूँ इससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, स्टार पी पी मीन्स डबल पॉइंटर के केस में टोटल 3 लोकेशन क्रिएट होते हैं पॉइंटर नेम स्टार पॉइंटर नेम और स्टार स्टार पॉइंटर नेम, तो पॉइंटर नेम तो आपको सो रहा है स्टार पॉइंटर नेम उस लोकेशन का नेम होगा जिस लोकेशन का एड्रेस पीपी में स्टोर है, मीन 202 लोकेशन का नेम क्या हो जाए स्टार पीपी, सिमिलरली वन मोर लोकेशन इज स्टार स्टार पीपी, स्टार स्टार पीपी किस लोकेशन का नेम हुआ जैकेट, पीपी के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे पीपी का वैल्यू, पीपी के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा 202, स्टार 202 के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा स्टार 202 का वैल्यू, स्टार 202 में क्या स्टोर है जस्ट 106, यहाँ रिप्लेस क्या हुआ 106, फाइनली स्टार स्टार पी पी उस लोकेशन का नेम हुआ जिसका नेम स्टार 106 है या जिसका एड्रेस 106 है, जिस लोकेशन का एड्रेस 106 है उसी लोकेशन का एक और नेम क्या हो जाएगा स्टार स्टार पी पी, क्लियर। जब इस केस में पी पी का एड्रेस चेंज होगा या पी पी का वैल्यू चेंज होगा उसके साथ साथ लोकेशन के नेम्स भी मैं मॉडिफाई करूंगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम्स। नेक्स्ट केस प्लस प्लस पी पी, तो नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट किस में हो रहा है पी पी में, पी पी में क्या स्टोर है एड्रेस और एड्रेस का साइज क्या होता है 2 bytes, मीन से पी पी करेंटली 202 को पॉइंट कर रहा है, 202 लोकेशन का साइज क्या है 2 bytes, तो यहाँ इंक्रीमेंट भी कितने से होगा 2 से, न्यू एड्रेस क्या है इस केस में 204, जैसे इस केस में 204 आया तो इमीडिएटली पी पी किसको पॉइंट करेगा 204 लोकेशन, मीन्स क्लियर, इसके अकॉर्डिंग इसके नेम्स भी क्लियर हो जाएंगे, मीन्स स्टार स्टार पी पी भी डिफरेंट लोकेशन का नेम होगा, अगेन आपको फिर से चेक करना होगा एट द लोकेशन पी पी, पी पी में क्या 204, अब इसके इसमें एक और लोकेशन चेक करना आपको स्टार पी पी, स्टार पी पी किस लोकेशन का नाम है जस्ट पी पी के प्लेस पर पी पी का वैल्यू रिप्लेस करो, वैल्यू क्या 204, जिस लोकेशन का एड्रेस 204 है या जिस लोकेशन का नेम स्टार 204 है उसी का नेम क्या हुआ स्टार पी पी, इस 204 मीन्स दैट प्लेस, इसका नेम क्या है स्टार 204, तो इसी लोकेशन का एक और नेम क्या हो जाएगा स्टार पी पी, इसके साथ साथ स्टार पी पी में बात करें तो स्टार पी पी में क्या स्टोर है जस्ट 112, मीन्स स्टार पी पी के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या कर सकते हैं स्टार पी पी में क्या स्टोर है 112, तो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा 112, स्टार स्टार पी पी किस लोकेशन का नेम हुआ जिस लोकेशन का नेम स्टार 112 है, स्टार 112 मीन्स दैट प्लेस, इस प्लेस का एक और नेम क्या हो जाएगा जस्ट
स्टार पीपी, क्लियर। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद नेक्स्ट पेज सॉल्व करेंगे। इसे यहाँ इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट इन स्टार पीपी, तो स्टार पीपी के केस में चेक कर लो स्टार पीपी का करंट वैल्यू क्या है, 112। जैसे इसमें इंक्रीमेंट हुआ, स्टार पीपी करंटली कितने बाइट्स को पॉइंट कर रहा है, स्टार पीपी ओनली 2 बाइट्स को रेफर कर रहा है, तो इसलिए इंक्रीमेंट भी कितने से होगा, 2 से। इस प्लेस पर 112 के प्लेस पर न्यू एड्रेस कैसा हो जाएगा, 114। तो जैसे 114 आएगा तो स्टार पीपी ऑफ किस लोकेशन का नेम होगा, चेक करो इस केस में स्टार पीपी के प्लेस पर क्या रिप्लेस करोगे, स्टार पीपी का वैल्यू, स्टार पीपी का वैल्यू क्या है, 114, क्लियर। तो स्टार पीपी, स्टार स्टार पीपी भी किसका नेम होगा, जिस लोकेशन का एड्रेस 114 है। इसे रिमूव दिस, ये दोनों ही किस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जब स्टार पीपी में इंक्रीमेंट कराया तो इनडायरेक्टली चेंजेस किस में हुए, पी ऑफ टू, तो पी ऑफ टू के केस में भी मैं पहले तो मैं स्टार पीपी को रेफर कर रहा हूँ, स्टार स्टार पीपी किसका नेम हुआ, जिस लोकेशन का एड्रेस 114, इसका नेम क्या हो जाएगा, स्टार स्टार पीपी। वन मोर केस, इसके साथ साथ चेंजेस किस में हुए, पी ऑफ टू में, तो पी ऑफ टू के रिस्पेक्ट में चेक करना, व्हाट इज द न्यू लोकेशन इज स्टार पी ऑफ टू, स्टार पी ऑफ टू में जस्ट पहले पी रिप्लेस क्या करो, इस प्लेस पर पी ऑफ टू का वैल्यू, पी ऑफ टू का करंट वैल्यू क्या, 114, तो स्टार पी ऑफ टू किसका नेम होगा, जस्ट लोकेशन का नेम स्टार 114, मीन्स सेम लोकेशन का एक और नेम आसान होगा, पी ऑफ टू, क्लियर। मीन्स पॉइंटर प्रीवियस केस में फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, करंट केस में फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करा, सेकेंड एलिमेंट पॉइंटेड, सेकेंड एलिमेंट, क्लियर। नेक्स्ट वन अगेन, इस केस में इस प्रोग्राम का आउटपुट इंपॉर्टेंट केस नहीं है, इंपॉर्टेंट केस क्या है, दीज डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस, अगर आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना था देना आपके लिए कोई भी प्रोग्राम ब्रेक करना पॉसिबल है, क्लियर। नेक्स्ट वन अगेन, नेक्स्ट टाइम क्या परफॉर्म हुआ, जस्ट प्लस प्लस स्टार स्टार पीपी, तो इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, प्लस प्लस किसके लिए अप्लाई हो रहा है, स्टार स्टार पीपी के लिए, स्टार स्टार पीपी किसी लोकेशन का नेम है, स्टार स्टार पीपी जिस लोकेशन का नेम है उसमें इंक्रीमेंट कितने से हुआ, जस्ट 1 से, स्टार स्टार पीपी का करंट वैल्यू क्या है, 80, तो इंक्रीमेंट होने के बाद इसका न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट 81। इनडायरेक्टली स्टार P2 का भी वैल्यू क्या हो चुका है, ऑल्सो 81। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, स्टार P2 में, तो प्रीवियस केस में इंक्रीमेंट किस में हुआ था, स्टार स्टार पीपी में, स्टार स्टार पीपी में हमारे से इंक्रीमेंट किया, तो इनडायरेक्टली स्टार P2 का भी वैल्यू क्या है, 81। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट किस में, स्टार P2 में, स्टार P2 में इंक्रीमेंट होगा अगेन, तो स्टार P2 का करंट वैल्यू का 81, तो इंक्रीमेंट होने वाला इसकी न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, 82, तो इनडायरेक्टली स्टार स्टार पीपी का वैल्यू भी क्या हो चुका है इसके साथ, ऑल्सो 82। नेक्स्ट वन माइनस माइनस पीपी, मीन्स यहाँ डबल पॉइंटर में सबट्रैक्शन हो रहा है, पीपी का करंट वैल्यू क्या है, 204, प्रीवियस केस में इनिशियल वैल्यू क्या था, 202, इंक्रीमेंट कराने से इसका वैल्यू क्या हुआ, इन दैट केस जब 1 से इंक्रीमेंट हुआ तो इंक्रीमेंट कितने से हुआ था, 2 से, 7 जब सबट्रैक्शन 1 से कराओ तो डिक्रीमेंट भी कितने से होना चाहिए, 2 से, तो अगेन इसमें फिर से क्या आसान हो जाएगा, 202, मीन्स प्रीवियस केस, चेक इट। तो इस केस में ओनली चेंज केस में हुए, ओनली पीपी में, मीन्स P2 में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं, तो P2 अभी भी, P2 के अंदर क्या स्टोर है, 114, तो P2 अभी भी उसी लोकेशन को पॉइंट करेगा, लेकिन इस केस में स्टार स्टार पीपी अब किस लोकेशन का नेम होगा, चेक इट, पीपी के रिस्पेक्ट में फिर से चेक करेंगे, मीन्स पीपी किसको पॉइंट करेगा करेंटली, अब लोकेशन 202, मीन्स अगेन फिर से फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट को पॉइंट करना स्टार्ट करें, 202 में क्या स्टोर, 106, तो इस लोकेशन का अगेन वन मोर नेम क्या हो जाएगा, स्टार पीपी, एक और नेम क्रिएट होगा, स्टार स्टार पीपी, स्टार स्टार पीपी किसका नेम होगा, जिसका एड्रेस 106 है, 106 मीन्स दैट एलिमेंट, तो इसका एक और नेम क्या हो जाएगा, स्टार स्टार पीपी, सेम एज प्रीवियस वे, इस इन दैट केस। नेक्स्ट वन, इस केस में इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, स्टार पीपी में, स्टार पीपी में चेक करो, स्टार पीपी में करेंटली क्या है, 106, इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन्स इनिशियल वैल्यू क्या था, 106, इंक्रीमेंट होने के बाद 108, तो इस केस में जिस तरह से P2 में जब इंक्रीमेंट हुआ तो सेकंड एलिमेंट को पॉइंट करना स्टार्ट किया था, सेम है इस केस में, करेंटली पी ऑफ 1 भी किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट मीन्स दैट प्लेस, क्लियर, डायरेक्टली सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट पॉइंट हो रहा है इस पॉइंटर के थ्रू। नेक्स्ट वन, इसके अकॉर्डिंग नेम्स भी चेंज हो जाएंगे, नेम्स क्या, पी ऑफ 1, तो इस केस में एक और लोकेशन क्या है, मीन्स पीपी, स्टार पीपी भी चेंज हुआ, पी ऑफ 1 भी चेंज हुआ, तो इस केस में अब स्टार P1 और स्टार स्टार पीपी किसका नेम हुआ, जिस लोकेशन का एड्रेस 108 है, 108 लोकेशन का नेम क्या जाएगा, स्टार P1, सेम एज
स्टार स्टार पीपी, आप इसको इवेल्युएट भी कर सकते हो, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने इस केस में राइट डाउन किया स्टार पी वन, तो पी वन के प्लेस पर पी वन का वैल्यू रिप्लेस करो, आपको खुद ही पता चल जाए पी वन का वैल्यू क्या करंटली 108। तो इस केस में स्टार पी ऑफ वन किसके सिमिलर है, स्टार 108 के। तो जिस लोकेशन का एड्रेस स्टार 108 है नेम, उसी लोकेशन का नेम क्या स्टार पी ऑफ वन। सिमिलरली स्टार स्टार पी पी, सबसे पहले रिप्लेस क्या करेंगे वैल्यू ऑफ पी पी, पी पी का करंटली वैल्यू क्या है 202। देन रिप्लेस करेंगे स्टार 202 का वैल्यू, स्टार 202 का वैल्यू क्या 108। तो इस प्लेस पर क्या जाएगा 108। तो स्टार स्टार पी पी भी किसके सिमिलर है स्टार 108, इसलिए इसके नेम्स चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, नेक्स्ट एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेट करेंगे अगेन। इस केस में डिक्रीमेंट किस में हो रहा है वैल्यू ऑफ स्टार स्टार पी पी, स्टार स्टार पी पी का करंट वैल्यू क्या है 50, डिक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 49। नेक्स्ट वन, डिक्रीमेंट किस में हो रहा है स्टार पी वन में, प्रीवियस केस में स्टार स्टार पी पी में डिक्रीमेंट किया तो इंडायरेक्टली डिक्रीमेंट केस में हुआ था स्टार पी वन में। सिमिलरली करंट केस में डिक्रीमेंट किस में हो रहा है स्टार पी वन में, स्टार पी वन में डिक्रीमेंट हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 48। तो इंडायरेक्टली स्टार स्टार पी पी वी का भी वैल्यू क्या हो चुका है इस केस में ऑल्सो 48, क्योंकि दोनों ही नेम सेम लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट है माइनस माइनस पी, अगेन पी में माइनस माइनस करें, पी का करंट वैल्यू क्या 202, तो सब्ट्रैक्शन कितने से होगा जस्ट 2 से, तो इसकी न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 200। तो अब ये पी पी किसको पॉइंट करना स्टार्ट करेगा 200 लोकेशन, न्यू लोकेशन 200। तो इस लोकेशन का एक और नेम क्या हो जाएगा स्टार पी पी, तो स्टार स्टार पी पी इस केस में चेंज हो जाएगा। चेक करना होगा इस केस में स्टार स्टार पी पी किस लोकेशन का नेम है, स्टार स्टार पी पी को जस्ट आप राइट डाउन करके सॉल्व कर सकते हो, पी पी के प्लेस पर क्या जाएगा पी पी का वैल्यू, पी पी का पी पी मीन्स डबल पॉइंट, इसका वैल्यू क्या है 200। स्टार 200 के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे जस्ट स्टार 200 का वैल्यू, स्टार 200 लोकेशन में क्या स्टोर करंटली 100, इस प्लेस पर क्या मीन्स फाइनली स्टार स्टार पी पी किसके सिमिलर स्टार 100 के सिमिलर, जिस लोकेशन का नेम स्टार 100 है उसी का नेम क्या हो जाएगा स्टार 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 पी पी, मीन्स स्टार स्टार पी पी और स्टार पी जीरो एग्जैक्टली कैसे सेम लोकेशन। नेक्स्ट वन, इंक्रीमेंट किस में हुआ है स्टार पी पी में, तो स्टार पी पी में करेंटली क्या स्टोर है 100, इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू क्या है 102। तो फाइनली अब फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा सेकंड एलिमेंट, इस पॉइंटर के थ्रू पी जीरो पॉइंटर के थ्रू कौन सा एलिमेंट पॉइंट हुआ डायरेक्टली सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, तो इस केस में जस्ट इस लोकेशन का नेम मीन्स स्टार पी ऑफ जीरो किस लोकेशन का नेम होगा, जिस लोकेशन का एड्रेस 102 है इसका नेम क्या हो जाएगा स्टार पी जीरो। सेम है इस लोकेशन का एक और नेम क्या हुआ स्टार स्टार पी पी, क्लियर, रिमूव दिस। नेक्स्ट वन अगेन रिजॉल्व करेंगे इसको, माइनस माइनस स्टार स्टार पी पी, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन किस में हो रहा है डिक्रीमेंट किस में हो रहा है स्टार स्टार पी पी में, स्टार स्टार पी पी का करंट वैल्यू क्या है 20, डिक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 19। जब स्टार स्टार पी पी में डिक्रीमेंट हुआ इंडायरेक्टली चेंज किस में हुआ स्टार पी जीरो। सेम है नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट किस में हुआ स्टार पी जीरो में, स्टार पी जीरो में इंक्रीमेंट करोगे तो स्टार पी जीरो का करंट वैल्यू 19 है, इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी 20, क्लियर, दिस इज द पॉइंटर ऑपरेशन। लास्ट ऑपरेशन के बाद जस्ट प्रिंट एफ एग्जीक्यूट हो तो प्रिंट एफ में फाइंड आउट करना है आउट ऑफ दिस कोड। प्रिंट एफ के केस में फर्स्ट केस में डिस्प्ले क्या हुआ वैल्यू ऑफ स्टार पी जीरो, स्टार पी जीरो इस लोकेशन का नेम है, इस लोकेशन में वैल्यू क्या स्टोर है 20, तो इस प्लेस पर क्या जाएगा जस्ट 20। स्टार पी वन, स्टार पी वन के केस में वैल्यू क्या 48, रिप्लेस क्या हुआ 48। स्टार पी टू, स्टार पी टू में क्या 82, रिप्लेस क्या हुआ 82। तो फाइनली फर्स्ट प्रिंट एप के थ्रू डिस्प्ले क्या हुआ 20, 48 एंड 82, क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ स्टार स्टार पी पी, चेक कर लो डायग्राम में किस लोकेशन का नेम स्टार स्टार पी पी है, दैट प्लेस इस प्लेस का वैल्यू क्या आएगा 20, तो अगेन क्या प्रिंट हुआ इस केस में 20। चेक कर सकते हो स्टार पी जीरो और स्टार स्टार पी पी दोनों ही सेम लोकेशन के नेम है, एक ही लोकेशन के नेम कितने 2, इसलिए दोनों ही केस में क्या डिस्प्ले हुआ 20 20। नेक्स्ट वन स्टार स्टार, नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या जस्ट स्टार स्टार पी पी ऑफ पी पी प्लस वन, उसका जस्ट मीनिंग क्या हो सकता है स्टार स्टार पी पी के प्लेस पर पी पी का वैल्यू रिप्लेस कराओ, पी पी में करेंटली क्या स्टोर है 200,
मीन्स 200 प्लस 1, 200 क्या है एड्रेस ऑफ 2 बाइट, तो यहाँ इंक्रीमेंट कितने से होगा जस्ट 2 से, क्या आएगा 202। क्लियर। नेक्स्ट वाट इज द वैल्यू ऑफ 2 स्टार्ट 202, स्टार्ट 202 लोकेशन में करंटली क्या स्टोर है, दिस वन इज स्टार्ट 202, इसमें स्टोर क्या है 108, तो स्पेस पर क्या जाएगा 108। फाइनली स्टार स्टार पी पी प्लस वन इज सिमिलर टू स्टार 108, और स्टार 108 में करंटली क्या स्टोर है 48, इस केस में अगेन क्या आएगा 48। मीन्स अगेन इन दोनों एक्सप्रेशन के मीनिंग कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि अगर आप स्टार पी ऑफ वन को इवॉल्व करो तो उसका मीनिंग कैसा जनरेट हुआ, सेम एड्रेस, सेम। लास्ट केस में क्या है स्टार स्टार पी पी प्लस टू, स्टार स्टार पी पी प्लस टू, तो यहाँ इंक्रीमेंट कितने से होगा जस्ट 2 से, 2 से इंक्रीमेंट करें तो इंक्रीमेंट कितने से होगा 4 से, मीन्स 200 में जब ऐड क्या हो जाएगा इस केस में 4, क्या आएगा 204। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार 204, स्टार 204 में क्या है 114, इस प्लेस पर क्या जाए स्टार 114। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार 114, स्टार 114 में क्या स्टोर है 82, तो इस प्लेस पर क्या आएगा फाइनली 82, तो लास्ट केस में क्या डिस्प्ले हो 82। मीन्स अगेन इस दोनों लोकेशन की मीनिंग कैसे हैं, ऑलमोस्ट सेम, इज द आउटपुट ऑफ गिवन एग्जाम्पल।